हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे। जी हाँ, अभी हम करने लगे अपने थोड़ा सा घर का काम, तो हमने कहा चलो आपसे भी शेयर करते हैं और दिखाते हैं क्या क्या सारा कुछ सभी कुछ बिखरा हुआ है। और अभी काफ़ी काम है जो अभी हम लोग अभी काफ़ी काम हो चुका है। और आज मैंने आगे से कहा था, ये देखिए सारा सामान ऐसे इधर भी बिखरा हुआ है। और अभी हमारा बेड भी टूट चुका है, उसे भी सही करवाना है। इसलिए हम लोगों ने नीचे भी मैट्रेस रखा हुआ है कि सोने की टेंशन ना हो। और काफ़ी काम हमने कर लिया है और अभी हम दिखाते हैं कंप्लीट हो चुका है। बस इतना ही काम था, फिर हम बाहर चलते हैं। बाय, हमने ये देखे सारा कुछ, ये अभी सारा खत्म हुआ है। सेल्फ हमारी लग चुकी है और ये सारा प्लास्टर किया है और काफ़ी चीज़ें समेट रहे हैं सारा कुछ। और अभी मैं बनाने लगी हूँ चने। फ्रेश है ये, क्या रहा सिलेंडर पे बनाना बड़ा मुश्किल है मुझे तो बड़ा। अभी हम देखने चले हैं हमारे मम्मी के नहीं सिलेंडर पे, पता है कितना मुश्किल होता है करना। चलिए हमारे हम देखते हैं, सारा तो बिखरा हुआ समझ नहीं आ रही। गाइस ये हम बना रहे हैं आज चने। और चने के लिए हम लोग ना ये कुछ चने हम लोग निकाल लेते हैं क्योंकि हमने इसकी वो बनानी होती है दोधी। हम लोग ये डालते हैं चने पीस कर, इसका पानी निकालते फिर वो डालते हैं और इससे चने बहुत अच्छे बनते हैं, गाढ़े चने बनते हैं। और आप भी ऐसे बनाइएगा, बहुत अच्छे बनते हैं ऐसे ये चने। अभी हम आपको दिखाते हैं। जी हमने ऑयल रख दिया ऊपर, अभी हम इसमें डालेंगे मसाला। मसाले में हमने डाला है प्याज, हरी मिर्ची, अदरक लहसुन, टमाटर और हमने ये सभी को चॉप किया है क्योंकि मैं तो मसाला इसी तरह ही बनाती हूँ हांडी का, प्याज ब्राउन नहीं करके बनाती। हर किसी का अपना अपना तरीका होता है। अच्छी तरह भूनेंगे। और साथ साथ अपनी चीज़ें समेटेंगे, भी है इसमें मसाला। काफ़ी ज़्यादा काम है हमारा अभी, देखें ज़रा ये आज ये सारा ये बनाया है और कल इसकी कटिंग होगी। इस पर ये वो लगाया हुआ सिंक लगाया, इसकी कटिंग होगी इस जगह पे। और अभी इस पर वो लगने टाइल्स लगनी है अभी, तो काफ़ी अभी है काम।
और सीमेंट वाले काम से पता है कितना गंद हो जाता है घर पे सारा, जब तक ये काम नहीं ख़त्म होगा ना, बस सारा काम तो ख़त्म हो ही चुका, थोड़ा सा काम है तो ऐसा सा बस हो ही रहा है। चलिए जी हम मसाले डाल रहे हैं। मसाले में हमने लिया है नमक, काली मिर्ची, गरम मसाला और लाल मिर्ची, धनिया पाउडर और हल्दी, एक एक चम्मच लिया हमने सभी। और आप अपने टेस्ट के मुताबिक डाल सकते हैं, जितना भी आपको अच्छा लगे आप उसी मुताबिक डालें। मुझे जितना अच्छा लगता है मैंने उसी के मुताबिक ही डाला है। ये सिलेंडर पे देखिए कितनी मुश्किल है, मुझे खड़ा होकर ये फिर बनाना पड़ रहा है, झुकना पड़ता है बार बार। मसाला हमारा हो चुका है, अब हम इसमें डालेंगे चने। चने चनों को हम लोग थोड़ी देर भूनेंगे। हमने इसे उबल, जब हमने चने रखे थे तब हमने इसमें डाला था नमक, नमक उबालते वक्त इसे नमक डाला था क्योंकि नमक इसमें फिर मिक्स हो जाता है चनों में, तो सही रहता हमेशा नमक डालें। जी गाइस ये हम ये जो हमने चने पीसे हुए थे ना, तो अब हम इसमें ना इसमें डालेंगे उसका पानी निकाल कर, और ये हम पानी में शामिल करेंगे ये जो चनों का पानी है। और हम इसे अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। और अब ये जो पानी है ना हम इसमें डालेंगे। जो पीसे हुए चने हैं बस उसका पानी डालना है निकाल कर, पूरे चने नहीं डाल देने। ये देखें चलिए जी अभी मिक्स हो गए, अभी हम 15 मिनट में 10 मिनट में बस चने तैयार हो जाते हैं। ये हमने जो बनाई है इसे डालने से ये चने बहुत ज़्यादा मज़ेदार बन जाते हैं और गाढ़े बहुत ज़्यादा हो जाते हैं इससे, और इससे मतलब चने बनाने से ये काफ़ी मुख्तलिफ हैं, इनका जायका बहुत अच्छा होता है। बस मैं यही कहना चाहूँगी और बस अभी 10-15 मिनट में ये तैयार हो जाते हैं। हाँ जी जमाया आ चुका है, बाइक से घूम घूम कर हमें दादू के साथ गया हुआ था ना, दादू के साथ गया था। उई, 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 उई। क्या मेरे को खाना है? गाइस लाहौर में बहुत ज़्यादा गर्मी हो चुकी है और हमारे घर पे तो अभी लाइट का सिस्टम भी नहीं है, तो इसलिए पंखा भी अभी नहीं लगाया, बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है। हम कराची वालों को कहते थे कि बड़ी गर्मी है मगर यहाँ पे भी बहुत ज़्यादा गर्मी हो चुकी है। आज तो खैर आंधी अभी आई थी तो काफ़ी मौसम ठंडा हो चुका है, और बस हमारा तैयार है बनने को, प्रेशर चल रहा है और मिलते हैं अभी आपसे। जी गाइस हमारे चने हो चुके हैं रेडी, हम अब इसमें डालेंगे धनिया। ये देखें कितने अच्छे लग रहे हैं चने, और हमने इसके साथ बना रहे हैं चावल, हम लोग बना रहे हैं इसके साथ क्योंकि बच्चे कह रहे हैं चावल बनाओ, और वैसे भी गर्मी बहुत ज़्यादा है और सिलेंडर पे बहुत मुश्किल होता है रोटियां बनाना, और हमारे करीब ही वो है तंदूर है तो हम लोग उसे पेड़े बना कर देते थे, वो रोटियाँ बना देते बहुत जल्दी जल्दी, गर्मी हो गई ना तो इसलिए। ओके जी अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट्स करें। ओके जी खुदा हाफिज़।